झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं। जहां घंटी आधारित पीएचईडी शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है, वही झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा, जिसको कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। वही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के संचालन संशोधन प्रस्ताव की मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए। जो 5 संचालन नियमावली में जो संशोधन प्रस्तावित था, उसमें स्वीकृति के साथ मंत्रिपरिषद द्वारा इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। जो संशोधन प्रस्तावित हैं, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है, उसमें पहला संशोधन अर्हता के संबंध में है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अभ्यर्थियों को मैट्रिक संचालन नियमावली के संबंध में बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों का पहले प्रावधान था कि वे मैट्रिक एवं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, और वर्तमान प्रस्तावित संशोधन है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यह संशोधन 5 संचालन नियमावली में और साथ ही साथ 3 जो नियुक्ति नियमावली बताए गए, उन सभी में यह संशोधन किया गया है, और जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति के साथ इस शर्त को जोड़ा गया है कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। और जनजातीय भाषा चिन्हित हैं, उसमें संशोधन है। राज्य स्तरीय पदों के लिए जो चिन्हित 12 भाषा रहेंगे, वे हैं उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। ये राज्य स्तरीय के लिए ये 12 भाषा किसी एक भाषा की परीक्षा में विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।